जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम ट्रैवल करने जा रहे हैं जिसका ट्रेन नंबर है 02307 हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी पूजा स्पेशल। तो जो हावड़ा से 11:55 को छूटती है, अगले दिन सुबह 10:55 को पहुंचती है, 10:10 को पहुंचती है न्यू जलपाईगुड़ी। अब इस ट्रेन की स्टॉपेज की बात करें तो ये ट्रेन यहाँ से छूटने हावड़ा से छूटने के बाद वर्धमान, रामपुरहाट, मालदा, किसानगंज होते हुए न्यू जलपाईगुड़ी चलती है। और ये सप्ते में एक दिन है यहाँ से बुधवार को, और वहाँ से आप लोगों को थर्सडे को मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का नया जर्नी। और अगर आप लोगों ने इस ट्रेन का एसी टू टायर का जर्नी नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, और आई बटन में भी दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा, इसी सेम ट्रेन का है वो। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारी ट्रेन शंटिंग हो रही है, और आज का हमारा कोच नंबर है S9, सीट नंबर 58। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि प्लेटफॉर्म पे बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ है और थोड़ा अनाउंसमेंट का आवाज़ आ रहा है, तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। साउंड में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप लोग हेडफोन ज़रूर यूज़ कीजिए पूरा एंटायर वीडियो तक। थोड़ा अंधेरा है दोस्तों, तो सब दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। लाइट ऑन कर देना। दोस्तों आज हम अकेला नहीं है क्योंकि आज हमारे साथ फैमिली है, आप लोग देख सकते हैं हमारी फैमिली। ये रही मेरी सिस्टर, और ये मेरे पापा हैं, और साथ में मेरी मम्मी। तो आज हम एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और मेरा सीट शायद अपर बर्थ है पर मैं लोअर बर्थ में बैठा हूँ, और मेरा आज का सबसे फेवरेट है इमरजेंसी विंडो। हम लोग देख नहीं रहा होगा, शायद दिखाता हूँ। ये रही इमरजेंसी विंडो, और यहाँ से मैं आप लोगों को शायद व्यू दिखा दूँ, थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का है, आप लोगों ने पहचान गए होंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इसका बाहर। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं बाहर आ चुका हूँ, और थोड़ी देर बाद ट्रेन डिपार्ट करने वाली है।
पर कुछ देर बाद मैं आप लोगों को बाथरूम दिखाऊंगा इस ट्रेन का, और उस ट्रेन में क्या क्या फैसिलिटी है वो भी दिखाऊंगा, बाथरूम में क्या क्या है वो भी दिखाऊंगा। तो इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए मिलते हैं इस बात वाशरूम पे, इस ट्रेन के वाशरूम पे। वाशरूम दिखाने से पहले मैं आप लोगों को बाहर का इंटीरियर दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह है, साफ सा नीट एंड क्लीन है। फायर एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है और डस्टबिन दिया हुआ है जो बिल्कुल खाली है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल खाली है। मिरर दिया हुआ है जो नीट एंड क्लीन है। बेसिन दिया हुआ है, पानी आ रहा है। तो अब चलते हैं, देखते हैं इस ट्रेन का वाशरूम। तो हम बाथरूम आ चुके हैं और बाथरूम कुछ इस तरह का है। नीचे मैं आप लोगों ने नीचे आप लोगों को मैं नहीं दिखाऊंगा, उससे पहले मैं इस मिरर के राइट साइड में चलता हूं। तो राइट साइड पे है आप लोगों को हैंगर कपड़े टंगाने के लिए जब आप बाथरूम यूज़ करेंगे तब, और ठीक इसके और राइट साइड में जाएंगे तो कुछ भी नहीं है आप लोगों को दिख रहा होगा। तो थोड़ा नीचे जाएंगे तो फ्लश है, और एक और थोड़ा सा इस तरफ जाएंगे तो आप लोगों को टैप दिख रहा होगा और कुछ नहीं यहाँ पर, और बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ तो है नहीं, सिंपल है। तो कुछ इस तरह का है, बाकी कुछ भी नहीं है, ना सोप डिस्पेंसर है, ना सोप होल ट्रे है, कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा मिरर है जिसका लेंथ आप लोगों को मैं शायद दिखा दूँ, इतना सा छोटा है लेंथ, नॉर्मल ट्रेन जैसा नहीं है, थोड़ा हल्का है, थोड़ा अलग है पर ठीक ठाक है। आपको सब कुछ लेके यहाँ आना होगा फिर ही बाथरूम कर सकते हैं, और आराम से स्मोकिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि स्मोक डिटेक्टर तो है नहीं। कुछ ऊपर का ऐसा है आप देख सकते हैं, देख रहे हैं लाइट दिया और बस, और कुछ नहीं है। बाथरूम आप लोगों को पता चल गया, सब ट्रेन का अलग अलग होता है, इस ट्रेन का कुछ अलग ही है, पर ये बस अच्छी बात है कि ये LHB है, पर पुरानी LHB है ये। तो चलते हैं अब बाहर, देखते हैं इस ट्रेन का डिपार्चर, क्योंकि टाइम हो चुका है 11:35 और इस ट्रेन का डिपार्चर है 11:55 को। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इस ट्रेन का डिपार्चर। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं इस ट्रेन का लोकोमोटिव देखने जो हमें यहाँ से NGP ले जाएगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, और टाइम भी नहीं बचा है, 11:42 हो रहा है। तो देखते हैं इस ट्रेन का लोकोमोटिव कौन सा है। आप लोग देख सकते हैं हावड़ा सेट का वेब 7 है जिसका रूट नंबर है 030689, और ये ट्रेन आज हम ये इंजन आज हमको NGP तक लीड करेगी। तो चलते हैं आप सीधा कोच पे जो बिल्कुल बीचों बीच है। हावड़ा NGP हावड़ा स्पेशल। बोलने वाले तो बहुत लोग होते हैं पर हम सुनने वाले थोड़ी ना होते हैं। तो चलिए ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है हावड़ा से, और इसका अगला स्टॉप है बर्धमान जिसका टाइमिंग है 1:20 को, और वहाँ पर ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकेगी, मतलब 10:22 को डिपार्चर करेगी। तो इसी के साथ हमारा सफ़र शुरू हुआ बिल्कुल शार्प 11:55 को, मतलब
जी नहीं है ना। ओ अच्छा अच्छा और साथ में आप लोग देख सकते हैं न्यू नंबर प्लेटफॉर्म से, न्यू प्लेटफॉर्म से करीब शायद इसका प्लेटफॉर्म नंबर 21 होगा, वहाँ से कुछ सुपर फास्ट है ट्रेन का नाम दिख नहीं रहा है, पास आते ही मैं अगर बोलूँगा आप लोगों को, पैरल दिख रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है। पर वो साउथ की तरफ जाएगी, मीन सत्रागछी की तरफ, और हम लोग बाली की तरफ जाएंगे तो शॉर्ट टनल देखने को मिलेगा। और इस ट्रेन का नाम है हावड़ा क्या ट्रेन का नाम है बाबू? बिल्कुल पैरल है, इसे समझ भी नहीं आ रहा है कौन सा ट्रेन है, और यहाँ पर कुछ देख भी नहीं रहा है। वैसे बिल्कुल गेट के सामने है हमारा गेट, हावड़ा चेन्नई, हावड़ा चेन्नई स्पेशल के साथ हावड़ा एनजेपी स्पेशल। दोनों का टाइमिंग बिल्कुल एक है 11:55। धीरे धीरे वो ट्रेन दूर होती जा रही है हम लोगों को दिख रहा है, और हम लोग बर्धमान की तरफ जा रहे हैं, और वो ट्रेन सत्रागछी की तरफ जा रही है।
दोस्तों देख सकते हैं हावड़ा रक्सल डिपार्ट कर चुकी है, हावड़ा की तरफ जा रही है ये ट्रेन। अनाउंस कर रही है आ रही है पर ये डिपार्ट कर चुकी है। क्या रेलवे है यार, और ट्रेन हमारी यहाँ पर 1:12 को आई थी और 2 मिनट रुकनी थी, पर यहाँ पर ये 5-10 मिनट हो गया यहाँ पर ट्रेन रुकी हुई है। इसका स्टेशन कोड है BWN और यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकेगी, सॉरी 2 मिनट के लिए रुकेगी। यहाँ पर ट्रेन लेट आई है, 10:12 को आई है, 14 को छोड़ना था पर 17 हो चुके हैं, 19 हो चुका है, अभी तक ट्रेन छूटी नहीं है, पता नहीं कब छूटेगी। तो चलो देखते हैं कब छूटती है, पर जब तक नहीं छूटती है तब तक देखते हैं इस कुछ बता देते हैं आपको वर्धमान के बारे में। वर्धमान में टोटल प्लेटफॉर्म 8 है और यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट और हमारी ट्रेन यहाँ पर 1 नंबर पर आई है। तो बस यहीं तक, और वर्धमान के बारे में बता दूँ तो वर्धमान एक पश्चिम बर्धमान में आता है और ये पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकेगी। सॉरी ये हाँ, ये आप लोगों को पता ही है सीताभोग और मेहदाना के लिए फेमस है, मैं बस यही बताना था। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इस ट्रेन का डिपार्चर। चलो हमारी ट्रेन, अबे चुप साला, हमारी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है 1:24 को, तो करीब 1:12 को पहुंचना था, 1:24 को डिपार्ट किया है, 1:10 को पहुंचना था पर 1:12 को पहुंची है और 1:24 को डिपार्ट किया है। इसी के साथ ट्रेन हमारी डिपार्ट कर चुकी है और हम वर्धमान लीव कर रहे हैं धीरे धीरे, आप लोगों को दिख रहा होगा। बाय बाय वर्धमान, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम वर्धमान स्किप कर चुके हैं, मतलब डिपार्ट करके स्किप कर चुके हैं और इसी के साथ हम अब रामपुर हाट की तरफ बढ़ रहे हैं और इसकी नेक्स्ट हॉट है रामपुर हाट, पर मैं ये रामपुर हाट स्किप करूँगा और आप लोगों से सीधा मुलाकात होगी कल सुबह मालदा में। The next morning. गुड मॉर्निंग दोस्तों, मालदा टाउन आ चुके हैं और मालदा में हम लोग अभी 4 नंबर प्लेटफॉर्म में खड़े हैं
और यहाँ पर इसका टाइम था 6:10 को, पर यहाँ पर ये ट्रेन पहुँची है 10:20 को, तो 3 घंटा में लेट है ट्रेन चल रही है, अभी लेट 3 घंटा लेट चल रही है। रास्ते में कुछ प्रॉब्लम था, लोग बोल रहे थे कि इंजन फेलियर था, सामने वाले ट्रेन का इंजन फेलियर हो गया था, तो इसीलिए ट्रेन रुक गई थी यहाँ पर। और अभी फ़िलहाल ट्रेन अभी मालदा में है, अब लोग को शायद देखा है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमने मालदा एंट्री किया है इसलिए। और मालदा के बारे में कुछ तो बताना है नहीं, क्योंकि हर वीडियो मैंने मालदा के बारे में हर कुछ ना कुछ बताया है और एक ही चीज़ बताया सबको, तो मालदा के बारे में ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं। तो ट्रेन यहाँ पर 10 मिनट के लिए रुकेगी, तो चलिए मिलते हैं सीधा डिपार्चर में।
बारसई, ये इस ट्रेन का शेड्यूल्ड हॉल्ट है। दोस्तों बारसू के बाद सुधानी, शायद यहाँ भी ट्रेन रुक जाएगी। पता नहीं यार क्या हो रहा है, 4 घंटा 56 मिनट लेट हो चुकी है ट्रेन। पता नहीं कब तक पहुँचेगी ये ट्रेन एनजेपी। हेलो,
चलो आखिर सुधानी तो क्रॉस की। मुझे लग रहा था यहाँ पर 2-3 मिनट 2-3 घंटे से खड़ी रहेगी। किसानगंज स्टेशन कोड है KNE, नंबर प्लेटफॉर्म 4-3। ट्रेन यहाँ पर 2 मिनट के लिए रुकेगी और वैसे ट्रेन वैसे लेट चल रही है, 4 घंटा 55 मिनट। पता नहीं कब तक पहुँचेगी, देखते हैं। और किशनगंज के बारे में बताते हैं तो किशनगंज एक शहर है जो पूर्णिया डिवीज़न के अंदर आता है और रेलवे जोन रेलवे स्टेशन कटिहार डिवीज़न जोन के अंदर आता है जो बिहार के अंदर है। और ये स्टेशन बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ती है, मतलब ये बिहार और पश्चिम बंगाल बॉर्डर में स्थित है। और आप लोग देख सकते हैं मेरा मुंह देखकर कि मैं कितना टायर्ड हूँ, यही है बस। तो मिलते हैं सीधा इस ट्रेन के डिपार्चर में। दोस्तों यहाँ पर अगर वीडियो करें तो थोड़ा सा सतर्क रहे, आँख और कान खोल के रखें क्योंकि यहाँ पर चोरी होती है बहुत। आपका मोबाइल का हाथ से छीन के ले चला जाएगा, आपको खुद ही नहीं पता नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा सतर्क रहे। बाय बाय किशनगंज, फिर मिलेंगे। पांजी पारा पिछली बार यहाँ पर ट्रेन रुक गई थी। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई लिंक में दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं।
चलो इस बार भी रुक गई है, इस बार भी रुक गई है। वैसे तो दोस्तों देख सकते हैं चाय बागान रेल लाइन के बगल में किनारे किनारे कितना सुंदर लग रहा है। वैसे इवनिंग भी हो रहा है, इवनिंग के वक्त चटेरहाट चलिए खुशकिस्मत कि हमें ट्रेन खुल चुकी है,
करीब 3-4 सेकंड बाद। पर बोर बहुत हो रहा हूँ, इतना घंटा तो कोई ट्रेन भी नहीं लेता है हावड़ा से एनजेपी तक, जितना घंटा ये ले लिया। अंधेरा हो चुका है बिल्कुल, अब देख सकते हैं। तो आपको चले थे, संध्या को पहुंचेंगे, सुबह पहुंचना था, संध्या पहुंचेंगे। कमाल का ट्रेन है, दोस्तों रंगा पानी हम क्रॉस कर चुके हैं। अब इसका नेक्स्ट हॉल्ट है न्यू जलपाईगुड़ी, जो हमारा आखिरी है और लास्ट डेस्टिनेशन है। तो मिलते हैं सीधा न्यू जलपाईगुड़ी में, तब तक आप लोग देखते रहिए। और इस ट्रेन ने तो हद कर दिया,
दोस्तों हम एनजेपी पहुंच चुके हैं और ये हमारा आखिरी हॉल्ट था और ट्रेन हमारा 6 आवर 47 मिनट डिले था और मैं बहुत टायर्ड भी हूँ। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर हाँ, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसा लगा, अच्छा लगा तब भी, अगर बुरा लगा तब भी, दोबारा बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं अब किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू और गुड बाय।